more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. उजड़ा चमन के साथ चले लंबे विवाद के बाद बाला फाइनली 7 नवंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला पर अब चोरी का आरोप लगा है, जिसके बाद अब एक बार फिर आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला विवादों में घिरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये आरोप डायरेक्टर और फिल्म मेकर नमन यश गोयल ने लगाए हैं। डायरेक्टर नमन यश गोयल ने 2010 में द बिगिनिंग टू गेट बाल्ड नाम की फिल्म बनाई थी। डायरेक्टर नमन का आरोप है कि आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म में न सिर्फ कहानी चुराने का बल्कि डायलॉग्स और एक्टर्स को प्रेजेंट करने के तरीके को भी कॉपी किया गया है। फिल्म डायरेक्टर नमन के मुताबिक अपकमिंग फिल्म बाला का पूरा ट्रेलर और शुरुआती 20 मिनट की फिल्म पूरी की पूरी उनकी फिल्म द बिगिनिंग टू गेट बाल्ड की कॉपी है। बता दें कि फिल्म डायरेक्टर नमन की फिल्म द बिगिनिंग टू गेट बाल्ड को 2011 में हुए मिनी बॉक्स ऑफिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑडियंस चॉइस अवार्ड भी मिला था, जिसके बाद डायरेक्टर नमन कोर्ट पहुंच गए। नमन ने मेकर्स को कॉपीराइट एक्ट के तहत चुनौती दी है। जयपुर के जिला और सेशन जज ने बाला के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के खिलाफ समन जारी करके 6 नवंबर तक पेश होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि फिल्म उजड़ा चमन तो 1 नवंबर को रिलीज हो चुकी है, लेकिन बाला की रिलीज आगे बढ़ा दी गई। अब इस फिल्म के रिलीज होने में 2 ही दिन बचे हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर देखकर लगता है कि इसकी कम ही उम्मीद है कि फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंच पाएगी भी या नहीं। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.